वक्त की खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां बांध से चारा लेकर गुजरते समय 16 वर्षीय किशोर है वो नदी में डूब गया। किशोर के डूबने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे परिजन और ग्रामीण, पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। पानी में डूबे किशोर का कोई भी पता नहीं लग सका है। फिर से एक बार बता दें आपको कि बांध से चारा लेकर गुजरते समय 16 वर्षीय किशोर पानी में डूब गया। किशोर के डूबने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे परिजन और ग्रामीण, जो परिजन और ग्रामीण हैं उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। अधिक जानकारी के लिए जुड़ते अपने संवाददाता नीरज परिहार के साथ। जी नीरज, आखिर कैसे जो 16 वर्षीय युवक है वो कैसे नदी में डूब गया? बिल्कुल आंचल, अगर देखा जाए थाना पिड़ौरा क्षेत्र के जो गांव पिड़ौरा है उसके पास ही जो टंगन नदी जो बहती है, और उसके बाद एक जो पानी रोकने के लिए एक बांध बना हुआ है, और जिसके ऊपर से लोग नदी के दूसरी पार जो खेतों के लिए जाते करते हैं, कोई ऐसा कोई जो 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 बंधा बना हुआ है उसका कोई ऐसा रास्ता नहीं है, तो उसके अलावा जो लोग जो है नदी के उस पार जा सके तो उसी के ऊपर होके गुजरते हैं। वहीं बताया गया है जो 16 वर्षीय किशोर एक अपने पशुओं के लिए चारा लेकर जब वापस आ रहा था, उसी टाइम उसका पैर फिसल गया और जो है वो सीधा नदी के पानी में गिर पड़ा। जहां और अन्य लोगों ने उसे देखा तब तक देर हो चुकी थी। उसके बाद उसके परिजनों को सूचना दी गई, परिजन मौके पर पहुंचे और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने स्थानीय गोताखोर है और जो नाव की मदद से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, और रेस्क्यू ऑपरेशन काफी देर हो चुकी है। करीब 10 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हुआ है और अभी करीब 2 से 2.5 घंटे भी हो चुके हैं, मगर अभी जो है जो पानी में लापता जो किशोर है उसका कोई पता नहीं, कोई सुराग नहीं लग सका है। बाकी अभी जो है सर्च अभियान जारी है। नीरज, जो परिवारजन है उनका क्या कहना है इस मामले में? बिल्कुल, परिवार का सीधा सीधा यही कहना है कि परिवार के लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से किशोर वहां गया और वहां कोई एक ऐसा रास्ता नहीं था, मगर जो गुजरने वाला रास्ता था उसी से गुजरा और उसका पैर फिसल गया। जो पैर फिसलने के बाद जो पानी के जो गहरा पानी है वहाँ पानी में चला गया। उसके बाद उसकी अब जो आशंका लगाई जा रही है उसे तत्काल खोजने का भी प्रयास किया जा रहा है, मगर अभी फिलहाल कोई उसका सुराग नहीं लगा है। तो परिजनों का भी जो है पूरी तरह से हताश है, रो-रो का बुरा हाल है उनका, और वहाँ सर्च अभियान अभी फिलहाल जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज आपका जानकारी देने के लिए। एक बार आपको फिर से बता दें कि बांध से चारा लेकर गुजरते समय युवक का पैर फिसल गया, जिससे युवक उटंगन नदी में डूब गया। किशोर के डूबने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे परिजन और ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन लगभग 2 से 2.5 घंटे होने के बावजूद अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं लग सका है। पानी में डूबे किशोर, जो किशोर डूबा है उसका कोई भी पता नहीं लग सका है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, स्थानीय गोताखोर लगातार किशोर को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये पूरा मामला थाना पिडोरा क्षेत्र के अंतर्गत उटंगन नदी का बताया जा रहा है।